जनपद पुलिस ने प्रदेश स्तरीय माफिया सुधीर सिंह की गैंगस्टर एक्ट के तहत अवैध संपत्ति को कुर्क किया, जिसके संबंध में एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर प्रदेश स्तरीय माफिया सुधीर सिंह की संपत्ति गैंगस्टर एक्ट के तहत बांसगांव तहसीलदार संदीप कुमार त्रिपाठी व गीरा थाना प्रभारी राहुल कुमार सिंह ने टीम के साथ बांसगांव तहसील के चंदौली बुजुर्ग थाना बेलीपार में अवैध रूप से धन अर्जन कर खरीदी गई 10 डिसमिल जमीन कुर्क की गई, जिसकी अनुमानित कीमत 2,50,00,000 रुपए है तथा HDFC बैंक शाखा असुरन गोरखपुर में जमा 10,20,942 रुपया 30 पैसे को सीज कर आगे की विधि कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, गोरखपुर के माफिया सुधीर सिंह पुत्र स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह की संपत्ति खसरा संख्या 240/2 लगभग 10 डिसमिल जमीन आज दिनांक 12/9/2022 को श्रीमान जिलाधिकारी महोदय जनपद गोरखपुर के आदेश के अनुपालन के क्रम में अंतर्गत धारा 14 वन उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत कुर्क की जाती है। सुनो सुनो सुनो, ये वाला क्या ग्रुप में भी डालो, तुरंत अभी चला जा रहा है। शासन द्वारा संगठित माफियाओं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गोरखपुर के निर्देशन में आज दिनांक 12/9/2022 को राज्य स्तरीय माफिया सुधीर सिंह के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के धारा 14(1) के अंतर्गत कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के अंतर्गत उनकी ग्राम चंदौली बुजुर्ग में स्थित 10 डिसमिल जमीन, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए है, तथा HDFC बैंक असुरन में जमा लगभग 11 लाख रुपए की संपत्ति को जिलाधिकारी महोदय के आदेश से कुर्क किया गया। उक्त कार्रवाई थाना प्रभारी गीड़ा की आख्या पर तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गोरखपुर की संस्थिति पर जिलाधिकारी गोरखपुर द्वारा कराई गई है।